वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो? आज का जो वीडियो स्पेशली एक मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वीडियो बनाया है। तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट मैं खरीद के रिग्रेट महसूस कर रही हूँ, जो मैं इन फ्यूचर कभी भी इनफैक्ट कभी भी नहीं परचेस करने वाली। इनफैक्ट अगर वो मुझे फ्री में भी दे तो भी मैं नहीं लेने वाली, क्योंकि वो मुझे बहुत ही ख़राब लगे। एंड आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ और देख सकते हैं कितने कितने सारे पिंपल्स हो गए एक प्रोडक्ट को यूज़ करके। उस प्रोडक्ट को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो मैं फ्यूचर में उस वीडियो पर दिखा दूँगी। तो अगर मेरा फेस आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं हूँ मुस्कान, मेरा नाम है मुस्कान। मैं एक अब तो 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ। तो एक्चुअली मैं ब्यूटी रिलेटेड हेयर गर्ल्स हाइजीन गर्ल्स टॉक हेयर रिलेटेड नेल्स एवरीथिंग मेकअप रिलेटेड मैं इन टाइप वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हम फैमिली मेम्बर्स बन सकते हैं। एंड अगर पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही इस वीडियो को लाइक करके जाइए। एंड बिना देरी करते अब इस वीडियो को स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो स्टार्ट करने वो फर्स्ट ये गुड वाइब्स का टेंडर कोकोनट टोनर। इसका मुझे एक्चुअली टेक्सचर ये बोलते हैं कि इस पर टेंडर कोकोनट है और स्पेशली नरिशिंग के लिए है, लेकिन इस जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ लाइक मुझे वाटर टाइप लगता है, लाइक जो नॉर्मल वाटर हम पीते हैं उस वो जैसा लगता है और कुछ इससे खासियत नहीं, ना नरिश करता है ना कुछ। और ये क्लेम करता है कि कोकोनट वेल इट्स इन रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टीज नरिशमेंट विद इन इट्स हाइड्रेट द स्किन मेकिंग इट सॉफ्ट एंड सपल फॉर अ नेचुरल ग्लो। इट हेल्प्स मेंटेन द स्किन नेचुरल बैरियर रिस्टोर्स इन पीएच लेवल एंड बैलेंसेस नेचुरल ऑयल्स टू इम्प्रूव स्किन टोन। इट कैन ऑल्सो मिनिमाइज विजिबल पोर्स सूद द स्किन गो ऑन शो द वर्ल्ड योर सॉफ्ट साइड दैट्स योर गुड दैट्स योर पार्ट्स। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करता ना हमारे ना इस टोनर हमारे फेस को सपल करता है ना सूद करता है ना पोर को मिनिमाइज करता है, कुछ भी नहीं करता। लाइक ये लाइक जो हम वाटर पीते हैं उसके जैसा ही है। तो इस प्रोडक्ट को मैं कभी भी इन फ्यूचर परचेस नहीं करने वाली, मुझे बहुत ही बुरा लगा। इसका प्राइस ओरिजिनल 205, लेकिन मुझे 160-170 तक मुझे मिल गया था। एंड मुझे तो इस प्रोडक्ट को खास कुछ अच्छा नहीं लगा। दैट्स मीन ये भी नहीं है कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। डेफिनेटली आपको अच्छा लग सकता है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो ये मेरी ओपिनियन है, मेरी बात है। तो फर्स्ट था ये गुड वाइब्स का था ये टोनर, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। नेक्स्ट है दिस एंड कफिन का नेकेड एंड रो एक्सप्रेसो कॉफ़ी फेस मास्क। तो ओवरऑल ये इसे यूज़ करने का देख सकते हैं मेरे फेस में कितने सारे एक्चुअली पिंपल्स एंड बम्स निकल आए। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर कॉफ़ी है एंड बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, आई गेस इसका इंग्रेडिएंट्स मुझे सूट नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन ये नहीं कि मुझे अगर सूट नहीं करा आपको भी नहीं करेगा। हमारे सबकी स्किन टाइप्स अलग होते हैं, सबकी स्किन की लाइक सबको सब प्रोडक्ट सूट नहीं करते। तो इसका टेक्स्चर कुछ इसका टेक्स्चर कुछ ऐसा है, बहुत ही कॉफ़ी एंड उसके साथ कुछ है जो इसे स्मेल करते हैं। इसका स्मेल बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और इस पर लिटिल बिट कॉफ़ी स्क्रब है, इससे फेस मास्क के साथ साथ आपके फेस को सॉफ्टली एक्सफोलिएट भी करके, जो अच्छा है। लेकिन मेरे स्किन में बिल्कुल भी सूट नहीं करा एंड फ्यूचर में इसे मैं परचेज नहीं करना चाहूँगी। एंड इसका और भी फेस मास्क आता है, मैं वो भी ट्राई करूँगी, लेकिन ये वाला लाइक नेकेड एंड रॉ एक्सप्रेसो कॉफी फेस मास्क मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसे लगाते ही मेरे फेस पे कितने सारे पिंपल्स आ गए एंड मैं इसे कभी भी परचेज नहीं करूँगी। ये था सेकेंड प्रोडक्ट जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये है थर्ड प्रोडक्ट, ये है NYPA नेल एनामल। ये मैट नेल पॉलिश है। इसको मैंने इसको मैंने 70-80 रुपीस में परचेज किया था पर्पल से। तो आप लोग तो जानते हो कि मैट नेल ब्रश कितने एक्सपेंसिव आता है, लेकिन ये अफोर्डेबल में मैंने देखा था तब कुछ सेल चल रही थी। एंड पर्पल पे हमेशा इस ब्रांड पे लाइक गुड वाइब्स एंड बहुत सारे ब्रांड पे हमेशा लाइक 365 डेज सेल चलते रहते थे, लेकिन उस दिन कुछ दूसरा सेल था जिसमें इसे मे बी 50% सेल में मुझे मिल रहा था। तो मैंने परचेस कर लिया क्योंकि एक्चुअली ब्लू कलर मेरा फेवरेट तो नहीं, फेवरेट लिस्ट में पड़ता है।
लेकिन इसका टेक्सचर ना बहुत ही थिक है, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ही थिक है। इससे अगर आप एक कोट करोगे ऐसा लगता है कि आपने 10 या 5 एटलीस्ट कोट कर लिया है, क्योंकि यूजुअली मैट नेल पर तो लिटिल बिट थिक होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ये बहुत ही थिक है। मैं इसे यूज़ करना पसंद नहीं करती। अगर आप इसका सेकेंड कोट लगाओगे ना, इतना मोटा नेल हो जाता है, लगता है कि आप दूसरा कोई चीज़ लगाए, इतना ज़्यादा लाइक लिटरली आप 10 to 20 कोट्स अगर जैसे नॉर्मल नेल पॉलिश लगाने के बाद होता है वैसा ये फील देता है। तो आई डोंट रेकमेंड यू गाइस, प्लीज़ इसे परचेस मत करना, बहुत ही इसका टेक्सचर गंदा है। एंड आप पर्पल पर्पल का मैट नेल पॉलिश यूज़ कर सकते हो, नायका कैन बहुत सारा है, लेकिन प्लीज़ गाइस ये वाला ट्राई मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हाँ, ये ब्रांड अफोर्डेबल है, मैं ये नहीं कह रही कि इसका इस ब्रांड के ये नेल पॉलिश खराब थे, दैट्स व्हाई और भी प्रोडक्ट ख़राब होंगे, नहीं। इस ब्रांड का और दूसरा भी प्रोडक्ट है, मैंने ट्राई किया वो मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन ये वाला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं तो इसे फ्यूचर में कभी भी परचेस नहीं करने वाली, एंड आपको भी मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करने वाली कि आप इसे परचेस करो। तो ओवरऑल इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही बुरा लगा। तो ये था थर्ड प्रोडक्ट जो मैं कभी भी खरीदने नहीं वाले, एंड मुझे इसे खरीद के रिग्रेट फील हो रहा है। फोर्थ है ये माइग्लैम का इंस्टा कलेक्शन फेस किट। तो ओवरऑल ये देखने में इसका पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, नो डाउट पिंकिश पिंकिश एंड पेस्टल कलर्स में कुछ है तो अंदर का पैकेजिंग ऐसा है, तो और नो डाउट पैकेजिंग में इसके 100 on 100। लेकिन आप जस्ट देखिए, हाँ इसका प्रोडक्ट तो लूज पाउडर तो बहुत ही अच्छा है फेस पाउडर, लेकिन ये जो हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो ब्लश है इससे एक्चुअली पिगमेंट अच्छा है, लेकिन आप जब इसे ब्रश ऐसे दोगे ना ऐसे, तो दो ब्लश एक साथ पिक हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छी पैकेजिंग नहीं। आप एटलीस्ट गोल्ड टाइप दे देते वो भी बहुत ही अच्छा होता है पैकेजिंग में। आप अगर ये सिंगल ब्लश उठाने जाओ ना, तो साथ साथ ये हाइलाइटर भी आ जाता है, तो इसकी पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आप जस्ट देखो, आप अगर इस ब्रश को यूज़ करना चाहते हो तो आप ब्रश तो गोल होती है ना, ऐसे ऐसे करोगे ये वाला ब्रश साइड से पिक हो जाता है। अगर आप मान लो ये वाला अगर आप शेड अपने ब्लश में यूज़ करना चाहते हो, तो आप ब्रश को ऐसे दोगे तो गोल्डन शेड लाइक ये हाइलाइटर आ जाएगा। तो ये बहुत ही बुरा लगा इसका पैकेजिंग। ओवरऑल इसका आउटर पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर जैसे कि दिया हुआ है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं आया तो आपको भी नहीं आएगा। ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, इसका पिगमेंटेशन इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा, लेकिन जैसे ये दिया हुआ है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये था फोर्थ प्रोडक्ट जो मैं फ्यूचर में नहीं परचेस करने वाली, लाइक इसका सिंगल सिंगल जो आता है लाइक ब्लश हाइलाइटर, वो मैं ज़रूर से परचेस करने वाली, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, इसका पिगमेंटेशन इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, लेकिन जैसे ये दिया हुआ है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो ये था फोर्थ प्रोडक्ट जो मुझे फ्यूचर में नहीं परचेस करना, एंड इसे परचेस करने का मैं बहुत ही रिग्रेट फील कर रही हूँ। तो ये है लास्ट प्रोडक्ट जो मैं खरीद के, लिटरली ये सब जो प्रोडक्ट दिखा है ना मैं पहले, इससे भी ज़्यादा मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ। ये है मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक एसिड एंड LHA 2% क्लेंजर। तो आप देख सकती है मिनिमलिस्ट का है, आपको याद है मैंने एक नायका का हॉल दिखा था लाइक नायका समर सुपर सेवर डे सेल, तो तब मैंने इसे परचेस किया था। और इसका पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर में है, बहुत ही प्रीमियम लाइक इसका टेक्सचर लाइक इसका आउटर पैकेजिंग खूबसूरत है, बहुत ही बेसिक है ब्लैक एंड वाइट में। और इसमें हमें मिल जाता है 100 ml, हाँ शायद 100 ml मुझे हमें मिल जाता है जो। तो ये रेड्यूस सीवम है एक्ने फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, इसे हमें 100 ml मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप जब इसका ये आउटर पैकेजिंग है तो प्रोडक्ट भी हमें बहुत ही अच्छा खासा मिल जाता है, लाइक आप देख सकते हो पीछे भी सेम पैकेजिंग है जो इसमें था, तो अच्छा खासा हमें एक प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छा, लेकिन आप ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है, अगर मैं इसे ऐसे खोलूँगी ना प्रोडक्ट डायरेक्टली गिर जाएगा, लाइक देखो प्रोडक्ट ऐसे गिर जाता है, तो ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये वाला प्रोडक्ट। तो ओवरऑल इसका लाइक फॉर्मूला टेक्सचर एवरीथिंग अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। तो मिनिमलिस्ट बालो अगर मेरा अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका पैकेजिंग थोड़ा
पंप टाइप ऑफ पैकेजिंग दे दो, वो बहुत ही अच्छा है। आप पंप को लॉक एंड अनलॉक भी कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। इसमें प्रोडक्ट लीक होता है, अगर आप इसे ऐसे भी रखोगे ना देन भी प्रोडक्ट लीक होगा, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे तो ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेकिन इसका पैकेजिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अगर मिनिमलिस्ट वाले इसका पैकेजिंग चेंज कर देते, अगर पम्प टाइप दे देते, देन मैं इसे श्योरली परचेस करूँगी। लेकिन अब ऐसे मैं इसे परचेस नहीं करने वाली, क्योंकि इसका टेक्सचर बहुत ही लिक्विडी, मतलब कंसिस्टेंस है, लाइक वाटरी टेक्सचर है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर ऐसा है। तो ऐसे तो प्रोडक्ट ओवरऑल अच्छा है ऑयली स्किन वालों के, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। तो ये थे फिफ्थ प्रोडक्ट। जो पांचों प्रोडक्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं फ्यूचर में बिल्कुल भी परचेस नहीं करने वाले। ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा था, कुछ कुछ देख सकते हो, एक कैपुचिनो वाला जो मुझे पिंपल दे गया। तो ये थे जो पांच प्रोडक्ट जो मैं कभी भी नहीं परचेस करने वाले, एंड जिससे परचेस करने का मुझे रिग्रेट फील हुआ। एंड आई थिंक दैट इज फॉर टुडेस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एज वीडियो को भी लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा एंड आप नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। एंड बाय बाय, आप अपने घर पर अच्छे से रहिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।